हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ 250 शॉर्ट वर्म सीरीज इन सर्कुलर मोशन। तो इस लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कम्प्लीट थ्योरी ऑफ सर्कुलर मोशन कवर किया था। सेकेंड लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टू, ऑब्जेक्टिव वन फ्रॉम एससी वर्मा, थर्ड लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टू, फोर्थ लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ इस सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m इज थीटा नॉट। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट इट्स लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है, लेफ्ट या राइट कहीं भी फर्क क्या पड़ता है। तो लेफ्ट एक्सट्रीम बोला तो वही बना देते हैं। ये लेफ्ट एक्सट्रीम में बॉब है, याद रखना ये रेस्ट पे होगा। ठीक है, एक्सट्रीम में मतलब रेस्ट पे होगा, ये मेन पोजिशन। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है, कितना एंगल मैक्सिमम जा सकता है ये मेन पोजीशन से वहाँ तक, थीटा नॉट जा रहा है ना, तो उसका टेंशन क्या होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेंशन निकालोगे तो ड्रॉ करो फोर्सेस टेंशन और यहाँ पे एम जी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे है तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि रेस्ट पे है। ठीक है, तो टेंशन का कितना आ गया एम जी कॉस थीटा नॉट। ठीक है, चाहे राइट एक्सट्रीम होता तब भी यही आंसर आता। ठीक है, एम जी कॉस थीटा नॉट। 16 का आंसर चेक कर लेते हैं। 16 का आंसर एम जी कॉस थीटा नॉट है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। तो वैसे रोटेशन वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, आज तक मैंने क्वेश्चन तो देखा नहीं, ना ही एनसीटी में गिवन है। तो ये पार्ट जो है हम लोग जस्ट फॉर फन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अ पर्सन स्टैंड्स, ये समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप कर लेंगे। अ पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन 2.8। ठीक है, तो इक्वेटर में जो जी का वैल्यू होता है वो एक्चुअल जी और ओमेगा ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ से ऐसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें उसका बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द रीडिंग लेस देन द 2.8। ठीक है, तो कितने से लेस आएगा, इतने से लेस आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ठीक है, ये होगा ना, ये ऊपर मॉड देने का मन नहीं है, तो अल्टीमेटली ये एक्चुअल वेट इतना है, नया वेट इतना मिलेगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट। ठीक है, ये वन माइनस जी डैश बाय जी है, या जी माइनस जी डैश बाय जी। ठीक है, जी मतलब जी नॉट है ना, ये तो हम लोग देख सकते हैं जी नॉट और जी डैश का फर्क कितना है, जिसको सिंपली जी बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी नॉट ये आपका आंसर है। बस ओमेगा का वैल्यू पुट कर लो 2π बाय, कितना टाइम लगता है आपको एक चक्कर काटने में, 24 आवर्स और एक आर में 36 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया ओमेगा का वैल्यू 2π बाय ओमेगा, 2π बाय टाइम पीरियड। ओमेगा मिल गया, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 10^3 मीटर, और जी नॉट कह रहे हो तो 10 है। ठीक है, ऐसा वैल्यू यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा। ए पार्ट था, बी पार्ट में द स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज बाय सच एन अमाउंट सच दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट, व्हाट विल द लेंथ ऑफ द डे इन दैट केस। ठीक है, बी पार्ट में ओमेगा को पता करना है। ठीक है, एक सेंस में है ना, नया ओमेगा कितना है। ठीक है, अगर इफ व्हाट इज द न्यू ओमेगा, इफ इफ स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग रीडिंग ऑफ द बैलेंस इज हाफ ऑफ ट्रू वेट, यानी एम जी डैश इज हाफ ऑफ एम जी नॉट। ठीक है, मतलब वही चीज़ है, यानी जी डैश इज जी नॉट का आधा। जी डैश क्या होता है, जी डैश होता है जी नॉट माइनस ये चीज़, एंड दिस इज जी नॉट बाय 2। तो अल्टीमेटली ओमेगा स्क्वायर आर भी क्या है, जी नॉट बाय 2 है। ठीक है, तो इससे ओमेगा मिल जाए आपको जी नॉट बाय 2 आर का स्क्वायर रूट। ये ओमेगा मतलब न्यू ओमेगा। ठीक है, तो न्यू ओमेगा आपको मिल गया है, तो न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा 2π बाय ओमेगा डैश। यही पूछा गया आपसे, नया टाइम पीरियड कितना है अर्थ का रोटेशन का। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड आएगा वही ड्यूरेशन ऑफ डे हो जाएगा, है ना, एक दिन का ड्यूरेशन टाइम पीरियड ही तो होता है, 24 आवर्स का टाइम पीरियड ही तो है। ये था क्वेश्चन नंबर 17, समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है,
पूछने के बहुत कम चांस है, क्योंकि इतने सालों से एससीबी में है तो पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, भले कोचिंग इंस्टीट्यूट में भरे रहते इस पे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 में, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर व्हीकल्स गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब इतने रेडियस में इतने स्पीड से चलेगी गाड़ी तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, इतने रेडियस सर्कल में इतने स्पीड से गाड़ी चल सकती है, यही होता है बैंक। अभी ये लिखा जाए ना आपके पास, आपके सामने किसी क्वेश्चन में, इस बैंक फॉर व्हीकल्स गोइंग एट ए स्पीड, मतलब एक करेक्ट स्पीड है, ठीक है, इतने स्पीड के लिए ही ये रोड बनी है बैंक रोड। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4 पॉसिबल स्पीड्स सो दैट इट नीदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप, ठीक है, अब ध्यान देना, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं होता तब सिर्फ करेक्ट स्पीड में यह पार्टिकल गाड़ी चल सकता है, उसके अलावा किसी स्पीड में चलेगा तो या तो स्लिप डाउन होगा या स्किड अप होगा, ठीक है। वैसे करेक्ट स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्पीड को यूज़ करके हम लोग सबसे पहले टैन थीटा निकाल लेते हैं। टैन थीटा होता है वी स्क्वायर बाय आर जी, जहाँ पे वी करेक्ट स्पीड है, वी के वैल्यू 10 है, रेडियस 20 है, जी 10 है, तो ये 0.5 आया, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है वी मैक्स और वी मिन का, जो हम लोग डेराइव किए थे वो ये होता है, वी मैक्स का फॉर्मूला ये होता है, अगर वी मिन का लिखना है तो वी मिनिमम का फॉर्मूला होता है आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है। तो खाली फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ये वी मिनिमम है और ये वी मैक्सिमम है, ठीक है। तो खाली वैल्यूज पुट करते हैं, चलो इसमें जैसे पुट करें, रेडियस है 20, जी है 10, म्यू एस है आपका 0.4, टैन थीटा है 0.5, 1 माइनस म्यू एस इंटू टैन थीटा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वी मैक्स निकालने का तरीका। और वी मिनिमम सिंपली वैल्यूज वापस पुट कर देंगे, तो पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.9 और ये 0.02, 1 माइनस 0.02 मतलब 0.08, ठीक है, 5 चौक 20 ना, 20 और 2 0, ये 5 चौक 20 0.2 ही होगा, सॉरी 1 माइनस 0.2 0.8 होगा, तो 9/8 हो जाएगा, ठीक है, नीचे में 0.8 ही होगा, ठीक है। तो ये 9/8 ऑफ 200, तो यानी 175 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 175 निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से, स्क्वायर रूट ऑफ 175 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में 13.22, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार जो कि इस बैंक रोड में चल रही है, इसका रेडियस 20 मीटर पर सेकेंड है और जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 है, वो कितना है, इतना, ठीक है, मैक्सिमम आ गया, इससे ज़्यादा स्पीड करेगा तो स्पीड अप कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वी मिनिमम क्या है, वी मिनिमम निकालने के लिए वही वैल्यू पुट करो वापस, आर जी तो 200 हो गया, टेन थीटा 0.5 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से 0.2 दे देगा, ठीक है, इसका वैल्यू अगर लिखे तो 200 इंटू 0.1 और नीचे में ये, तो 0.1 बाय 1.2, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1/12 है ना, तो 200 बाय 12 का स्क्वायर रूट चाहिए हमें, 200 बाय 12 का स्क्वायर रूट, 200 बाय 12 इतना आया, आंसर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4.08, ठीक है। तो वी मिनिमम आ गया 4.08 मीटर पर सेकेंड, तो मिनिमम है 4.08, मैक्सिमम है 13.22, तो स्पीड का रेंज दैट दिस कार कैन हैव इज बिटवीन 4.08 मीटर पर सेकेंड एंड 13.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में आंसर चेक करते हैं, अब 18th का आंसर है किलोमीटर पर आवर में 14.7 और 15.4, जिसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो 4.08 को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 18 से और डिवाइड करना होगा 5 से, तो ये 14.7 कुछ आया है, ये तो 14.7 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। और 13.22 को भी 18 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करें, 18 बाय 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर वो किया जा सकता है चेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो ये 47.7 आया।
47 पॉइंट सॉरी 6 मैच कर रहा है क्या? ये वाला पार्ट तो कर रहा है, ये सेकेंड वाला पार्ट के बारे में 14.7 तो किए, 54 आना चाहिए इधर में, इसको फिर से करना होगा ठीक है। तो मैक्सिमम वाला वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो इधर 200 आ गया 0.9 और ऊपर से 5 चौक 20.2 9/8 ऑफ 200 25 अटे 200 ओके ये तो 8 25 ही होगा, 25 नवा 175 175 के स्क्वायर रूट 13.22 सही तो है 13.22 इंटू 18/5 ये तो 47.6 ही आ रहा है बार बार ओके 54 कैसे आएगा इनका, कैसे आ गया इनका? तो एक ही जगह है, मैं 2200 इंटू 9/8 जो कर रहा हूँ ये एक्चुअली में 175 है कि नहीं, ये 225 है तो यहीं पे गलती है ओके। तो 200/8 25 नमा 225 होता है ठीक है, मैं यहीं पे गलती कर रहा था, ये 225 होता है ठीक है, ये 15 हो जाएगा है ना, तो ये 13.22 नहीं है 15 है, 15 × 18/5 तो 54 आ जाएगा ठीक है सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरे तरफ से सॉरी। तो ये रेंज आ गया है ना, यानी गाड़ी जो है इस स्पीड से इस स्पीड के बीच में चल सकती है, तब उस रेडियस में 20 मीटर के रेडियस में चल सकती है, 20 मीटर वाला जो रेडियस वाला पाथ है इसमें चल सकता है गाड़ी, अगर यहाँ से यहाँ के बीच में हो, इससे कम हुआ तो नीचे स्किड करेगा, इससे ज़्यादा हुआ तो ऊपर स्किड करेगा, नीचे स्लिप करेगा इससे कम हुआ तो मिनिमम वैल्यू से, और ज़्यादा हुआ तो मैक्सिमम से ज़्यादा हुआ तो ऊपर स्किड करेगा ठीक है, और इतने रेंज के लिए चल सकता है। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता है तो सिर्फ एक ही स्पीड के लिए चल सकता था, कौन सा स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करें ट्रेन भी इसके बीच में ही आ रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, 36 भी आप देख सकते हो इनके बीच में ही आ रहा हूँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 18th हो गया, 19th क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह है ओके चलो बहुत सजावट हो गया, आगे बढ़ते हैं एक सेकेंड। हाँ तो मोटर बाइक हैज़ टू मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन एन ओवर ब्रिज विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एंड हैज़ अ टोटल लेंथ एल ओके। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, कहीं फिगर दिया है क्या? नहीं दिया तो मैं तो बिना डायग्राम खुद बनाना है। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट से द हाइएस्ट पॉइंट, तो याद रखना ये ओवर ब्रिज है जो कि सर्कुलर आर्क के फॉर्म में ठीक है, तो एक ओवर ब्रिज है जो कि सर्कुलर आर्क के फॉर्म में ठीक है, तो इट इज और जिसका लेंथ है एल दिया हुआ है आपको ठीक है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है ना, रेडियस नहीं लेंथ दिया हुआ, रेडियस आर दिया हुआ है ठीक है, तो रेडियस हमें आर दिया गया है और लेंथ कितना दिया हुआ है एल दिया हुआ, ऊपर लिख देते हैं ठीक है। तो सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट, तो ये हाइएस्ट पॉइंट है, यहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये नीट वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं है ना, ये क्वेश्चन नीट वाले बच्चे आराम से स्किप कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझने में और कोई पूछा भी नहीं जाएगा ठीक है। तो व्हाट कैन बी, तो ये दिस इज नॉट फॉर नीट लिख देता हूँ, जिनको नहीं सुनाई दिया हो वो समझ जाएंगे ठीक है, दिस नॉट फॉर नीट है ना। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाइएस्ट पॉइंट, तो हाइएस्ट पॉइंट पे मान लो स्पीड है वी ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना है, मतलब नॉर्मल जो है वो जीरो नहीं होगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग, दो ही फोर्स लगेगा, एक तो नॉर्मल अपवर्ड और एक एम जी डाउनवर्ड, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो कि हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो नॉर्मल का वैल्यू एम जी माइनस वी स्क्वायर बाय आर है ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना मतलब नॉर्मल शुड बी पॉजिटिव, नॉर्मल शुड बी पॉजिटिव मतलब दिस एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव हो तभी तो नॉर्मल पॉजिटिव होगा ठीक है। अब ये पॉजिटिव होने के लिए जी माइनस वी स्क्वायर बाय आर शुड बी पॉजिटिव, तो दिस विल इम्प्लाई चेक कर लो आप, वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू आर जी ठीक है,
लेस देन आर जी नॉट, तो वी शुड बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। ठीक है, अब ये फिजिक्स हम लोग कर लेते हैं कि अगर आपको जैसे एक्स का वैल्यू लेस देन टू बोला गया तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पूछेगा तो टू बोल सकते हो आप। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा कर सकते हैं, इतना छोटा एरर अलाउड रहता है मान लो। ठीक है, तो v जो है लेस देन रूट आर जी होना चाहिए। v इक्वल टू रूट आर जी होगा तो जस्ट कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड जब पूछा जाए तो आप इतना बोल दो, कारण वही है कि अगर x लेस देन 2 है मान लो तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, वो आप 2 ही बोलोगे। ठीक है, या 1.9999999999 बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, उससे अच्छा 2 बोल दो, बस वही चीज़ है यहाँ पे समझ लो। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ओवर आर जी। तो 19 का ए पार्ट का आंसर रूट ओवर आर जी होना चाहिए, रूट ओवर आर जी। ठीक है, पार्ट बी में इफ द मोटरसाइकिल गोज एट स्पीड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए, वेयर विल इट लीव कॉन्टैक्ट। तो पार्ट ए में हम लोग देखे थे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब मोटरसाइकिल चल रहा था उसका स्पीड कितना मिला था हमें, रूट आर जी। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन में थ्रू आउट द मोशन वो कॉन्स्टेंट स्पीड से ही चल रहा है ना, भले वो नीचे जा रहा है लेकिन स्पीड कॉन्स्टेंट है, मतलब फ्रिक्शन से नेगेटिव वर्क हो रहा होगा, इसलिए वो जाने की जरूरत नहीं क्यों कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर इंटरेस्टेड हो तो फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा होगा और कोई कारण नहीं। तो अगर मोटरसाइकिल 1/√2 टाइम्स ऑफ दिस चले, यानी इसका ही 1/√2 टाइम्स मतलब ये इतने से अगर मोटरसाइकिलिस्ट चल रहा है तो कहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज करेगा। ठीक है, ऑफकोर्स हाईएस्ट पॉइंट पे लूज करने के लिए 2 का फैक्टर यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना, जो हम लोग दिखा देते ए पार्ट में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो नहीं, कहीं और करेगा, तो मान लो यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे कर। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो एम जी कितना कॉम्पोनेंट आ जाएगा भैया, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, स्पीड तो यही रहेगा, इसको यू बोले तो स्पीड यहाँ भी यू रहने वाला, स्पीड याद रखना कॉन्स्टेंट है। ठीक है, नॉर्मल तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जस्ट लूज कॉन्टैक्ट हुआ है ना, कॉन्टैक्ट लूज करने का नॉर्मल जीरो हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका अभी भी हम लोग आर ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जस्ट कॉन्टैक्ट लूज किया है, कॉन्टैक्ट लूज करने के जस्ट पहले आर रेडियस था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू आर था, तो कॉन्टैक्ट लूज करने के जस्ट बाद भी आर बोल सकते हैं, ज़्यादा एरर नहीं आएगा। अब न्यूटन सॉ लिखते हैं, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एम जी कॉस थीटा माइनस एन, लेकिन एन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एन जीरो है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो जाता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उसका वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पे, तो यू का वैल्यू है रूट ओवर आर जी बाय टू, वो पुट किए तो आर से आर कटे, यहाँ एम जी बाय टू आ गया, एम जी भी कट गया, तो कॉस थीटा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाफ है। इतना कैलकुलेशन के बाद हमें क्या पता चला, कॉस थीटा हाफ है, मतलब थीटा कितना है, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो अगर आप ये वाला लेंथ निकाल लो, आपसे पूछा था मोटरसाइकिल वेयर विल इट लूज कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो वेयर विल इट मतलब अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, ये एक मेजर है वेयर विल का, है ना, एंगल ही बता सकते हो, देखते हैं आंसर किस फॉर्म में। तो ये डिस्टेंस अगर निकाल ले तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा, थीटा है पाई बाय 3, तो एट डिस्टेंस ऑफ पाए आर पाए बाय 3 फ्रॉम दिस पोजिशन, यानी टॉप मोस्ट पोजिशन या हाइएस्ट पोजिशन। ठीक है, 19th का बी पार्ट का आंसर है डिस्टेंस पाई आर बाय 3 अलॉन्ग द ब्रिज, हाँ अलॉन्ग द ब्रिज होगा डिस्टेंस, अलॉन्ग द ब्रिज बोलना इंपॉर्टेंट है, मैं बोला नहीं, फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट। अलॉन्ग द ब्रिज क्यों बोल रहे, क्योंकि अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो कुछ अलॉन्ग द ब्रिज नहीं बोले, तो इसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है लाइन का जॉइनिंग दिस टू पॉइंट, वही किसी और पाथ के अलॉन्ग शॉर्टेस्ट नहीं बोलते हैं ना, लेकिन इसलिए अलॉन्ग द क्या बोल दिए इसको, अलॉन्ग द ओवर ब्रिज बोल दिया है। ठीक है, तो ये तो बी पार्ट था, तो ए और बी पार्ट नीट वाले बच्चे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सी पार्ट में प्रॉब्लम है। वॉट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनी वेयर। ठीक है, तो अभी बी पार्ट और ए पार्ट बना के आपको ये तो समझ में आ गई कि कॉन्टैक्ट लूज होने का चांस नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग ऊपर देखे ही बी पार्ट में कि जब यू स्पीड से चल रहा था हाईएस्ट पॉइंट पे तब कॉन्टैक्ट लूज नहीं हुआ है ना, यू का वैल्यू जो हम लोग देखे थे आर जी बाई टू था। ठीक है, लेकिन 60 डिग्री एंगल या पाई बाई 3 रेडियन कवर करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया है ना, तो सेम स्पीड है दोनों जगह में, लेकिन कॉन्टैक्ट ब्रेक नीचे में हुआ, यानी ज़्यादा चांस है नीचे में कॉन्टैक्ट ब्रेक होने का। ठीक है, क्योंकि कम एम जी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा का पूरा एम जी मिल रहा है आपको, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है पूरा का पूरा एम जी,
है यहाँ पे तो एम जी का कुछ कॉम्पोनेंट आ रहा नहीं चाहेंगे, तो और कम कॉम्पोनेंट आएगा, जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे तो जीरो कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी का टुअर्ड सेंटर, समझ में आ रही बात? ठीक है, ये बोलना चाहता हूँ, है ना? तो क्योंकि एम जी का कॉम्पोनेंट टुअर्ड द सेंटर घटते जा रहा है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन घटते जाएगा, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन भी कॉन्स्टेंट रह रहा है ना, वी स्क्वायर बार, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि वी कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना? तो क्या होगा, किसी ना किसी टाइम पे कॉन्टैक्ट ब्रेक होना ही होना है, ठीक है? एम जी जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगा एम जी कॉम्पोनेंट, ठीक है? तो अगर हम लोग को बोला गया है व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड, मैक्सिमम कितने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कैन इट मेंटेन, कैन द मोटरसाइकिल मूव ऑन द ब्रिज सो दैट इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनी वेयर, तो अगर एनी वेयर कॉन्टैक्ट नहीं लूज कर रहा है, टू इंश्योर दैट यू नीड टू इंश्योर कि ब्रिज के एंड पॉइंट पे नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एंड पॉइंट पे नहीं कर रहा है यहाँ या यहाँ तो कहीं नहीं कर रहा होगा, ठीक है? तो कोई भी एक पॉइंट ले, एंड पॉइंट ले लो, इक्वेशन तो वही आने वाला है, ठीक है? ब्रिज का टोटल लेंथ याद रखना एल दिया होता है ना, ठीक है? तो हम लोग ये वाला एंड पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट ब्रेक होने का चांस है, तो अगर इस पॉइंट पे नहीं कर रहा तो कन्फर्म इस पॉइंट में नहीं कर रहा होगा, इस पॉइंट में नहीं कर रहा होगा, इस पॉइंट में, एंड सो ऑन, ठीक है? तो हम लोग इस एंड पॉइंट पे देख लेते हैं, ये एंगल मान लो अल्फा है ना? यहाँ पे कॉन्टैक्ट हम लोग जस्ट ब्रेक करवाएंगे, ठीक है? जस्ट ब्रेक करेंगे ताकि हमें लिमिटिंग केस मिल जाए, जस्ट ब्रेक, है ना? ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक होने के लिए क्या होगा, ठीक है? मान लेते हैं कि एंड में जाके कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, तो नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जी कॉस अल्फा, ठीक है? स्पीड मान लो जो वो कितना है, वी है हर जगह, है ना? तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे टुवर्ड्स सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि नॉर्मल तो जीरो है, इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है? तो एम से एम कट गया, है ना? ये आ गया रिजल्ट, ठीक है? तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, आर जी कॉस अल्फा, ठीक है? चलो अब कॉस अल्फा का वैल्यू हम लोग पुट करें अगर, तो ये लेंथ अगर आप ध्यान दो तो ये एल बाई टू होगा, ठीक है? तो अल्फा का वैल्यू इन रेडियन हो जाएगा आर्क लेंथ, विच इज एल बाई टू अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करते हैं तो एंगल मिल जाता है ना, ठीक है? तो अल्फा का वैल्यू एल बाई टू आर है, तो ये कॉस एल बाई टू आर, ठीक है? तो वी स्क्वायर का वैल्यू इतना है, याद रखना वी स्क्वायर का वैल्यू अगर इतना है, या वी का वैल्यू अगर इतना है तो एंड में जाके कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है? यानी अगर वी का वैल्यू इससे कम है तब जाके एंड में जाके कॉन्टैक्ट ब्रेक, एंड में भी जाके कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा। सपोज इस जिसका वैल्यू 30 आया, ठीक है? यानी स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकेंड है तब एंड में जाके कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, ठीक है? यानी 30 से कम रहा, 29.9999 रहा, तब एंड में भी जाके कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कम करेंगे तो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? कि इसमें जस्ट कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, इससे कम है तो नहीं होगा। तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम स्पीड, फिर से वही कहानी है, एक्चुअल में इससे कोई भी कम स्पीड ले लेंगे तो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम बताना है तो यही बताएंगे, ठीक है? मैक्सिमम जब भी बताना रहेगा तब कॉन्टैक्ट ब्रेक करवा दो आप, है ना? क्योंकि जस्ट कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है? तो रूट आर जी कॉस एल बाई टू आर, रूट आर जी कॉस एल बाई टू आर, ठीक है? 19 का सी होगा, है ना? ठीक है, वैसे भी जिसको नीट में ज़्यादा अच्छा रैंक चाहिए वो लोग सी पार भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये था क्वेश्चन नंबर 19, मूविंग ऑन। और कहाँ है क्वेश्चंस? ओके, है मिल नहीं रहे, तो बस इसको ऊपर कर लेते हैं, डोंट वरी, वापस जूम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? चलो 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। अ कार गोज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, स्पीड इंक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट डी बाई डी टी इक्वल टू ए। तो आपको ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना? द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू, तो फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। ध्यान देना कि हॉरिजॉन्टल रोड की बात है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड की बात है, ठीक है? तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, तो ऑब्जेक्ट का नॉर्मल और एम जी वो दोनों मोशन वाले प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करेगा, तो इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है? मोशन में जो भी पैरामीटर चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज कराने में भी इसका कोई, इनका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है? स्पीड चेंज कराना मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन,
उसमें कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, ना ही नॉर्मल टेंजेंट के लॉन्ग है ना ही एम जी टेंजेंट के लॉन्ग है ना, दिख नहीं रहा आपको लेकिन टेंजेंट नहीं हो सकता ये, ठीक है। टेंजेंट होता है उसके प्लेन पे, लेकिन ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ना ही इनका एन का रोल है ना ही एम जी का रोल है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में, यानी टेंजेंशियल फोर्स में इनका रोल नहीं है। सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में भी ना ही इनका रोल है ना ही इनका रोल है, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स एज वेल एज टेंजेंशियल फोर्स, वो दोनों पे एन और एम जी का कोई रोल नहीं है। वैसे इस कार पे सिर्फ तीन ही फोर्स लग सकता है, एन, एम जी और फ्रिक्शन। रोड नॉर्मल और फ्रिक्शन लगाएगा और अर्थ ग्रेविटी एम जी लगाएगी, ठीक है। तो ना ही एन रिस्पॉन्सिबल है टेंजेंशियल के लिए सेंट्रिपिटल के लिए, ना ही एम जी रिस्पॉन्सिबल है टेंजेंशियल के लिए सेंट्रिपिटल, यानी फ्रिक्शन ही दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आई बात। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ टेंजेंशियल एक्सेलेशन एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रिक्शन मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेशन आएगा, एंड सेंट्रिपिटल कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रिक्शन मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो ये आपको नेट फ्रिक्शन दे देगा, एम इंटू स्क्वायर करके ऐड करें, सॉरी तो स्क्वायर रूट क्यों दिया मैं, एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर, ठीक है, याद रख सही है सब, ठीक है। अब इसी चीज़ को नेट एक्सेलेशन बोलते हैं, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, नेट एक्सेलेशन है ना, जिसको सिंपली एक्सेलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नेट लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को लोग ए बोल रहे हैं ना, इसलिए वैसा कोई कारण नहीं और स्पेशल, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक सब सही है। फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्कीड, तो कार स्कीड कब होगा, जब कार स्कीड होगा उस समय फ्रिक्शन जो होगा मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम जब तक लग नहीं रहा तब तक कार स्कीड हो नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ही कार स्कीड होगा फ्रिक्शन मैक्सिमम लगने लगेगा, है ना, मतलब स्कीड होने के जस्ट पहले भी मैक्सिमम लगेगा स्कीडिंग रोकने के लिए, लेकिन फिर नहीं रुकेगा तो मैक्सिमम लगता रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब रहेगा, जब कार स्कीड होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। तो ये तो फ्रिक्शन ही है, जब स्कीडिंग का बात हो रही होगी तब हम लोग एफ का बदली एफ मैक्स लिख देंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया था स्पीड की स्पीड में वो होगा, है ना, तो यहीं से कर सकते हैं हम, ठीक है। एम स्क्वायर इंटू सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को दे दिया ए, बस इसको सॉल्व करना अपना, ठीक है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एम जी, म्यू इंटू एन होता है और एन इस केस में एम जी होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है ना, एन नॉर्मल एम जी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो बस हो गया सब चीज़। तो ऑफकोर्स एफ मैक्स में जो स्पीड आ रहा होगा उसी स्पीड पर कार स्कीड कर रहा होगा, ठीक है। तो वी की पावर 4 r² + a² हो तो गया, एम स्क्वायर कट गया, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब खाली एलजेब्रा कर रहा हूँ मैं, दिस की पावर 1/4। ये तो पूरा मैथमेटिकल अप्रोच था, फील नहीं आया तो मैं एक तरीका बताऊंगा फील आने का, पहले आंसर मैच कर लेते हैं। म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर सही है, ये 2 पावर 1/4 सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, टॉप व्यू देखते हैं इसका, इस पूरे सेटअप का, है ना। तो टॉप व्यू में सर्कल है जिसपे कार चल रहा होगा, ठीक है। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो तो कांस्टेंट है ए, है ना, dv/dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर बार होता है, और क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रही है तो धीरे धीरे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण नेट एक्सेलरेशन ही बढ़ता जा रहा है, जिसको सिंपली एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यानी नेट फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट देर इज ओनली सो मच दैट फ्रिक्शन कैन प्रोवाइड, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकता है, म्यू इंटू एम। जब इसका वैल्यू, अगर इसको फ्रिक्शन का वैल्यू बोले मान लो, ठीक है, जब इसका वैल्यू एफ मैक्स हो जाएगा उस मोमेंट में फ्रिक्शन जो है अपना थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन जो है सफिशियंट नहीं रहेगा स्लिपिंग रोकने के लिए और स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फ्रिक्शनल कॉम्पोनेंट
जो है वो कांस्टेंट है लेकिन सेंटीमीटर वाला बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास एम केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रूलर, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू, द रूलर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द ब्लॉक इज एट अ डिस्टेंस एल एंड द ब्लॉक इज एट अ डिस्टेंस, ठीक है। एक रूलर अल्टीमेटली रूलर का एक एंड फिक्स करती है, दूसरे एंड में ब्लॉक रखती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में एट अ डिस्टेंस एल, ठीक है। द रूलर इज रोटेटेड अबाउट द फिक्स एंड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, याद रखना टॉप व्यू है, हम लोग ऊपर से देखेंगे तब जाके पूरा सर्कल दिख रहा है, हमें साइड से नहीं देख रहे, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ठीक है। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्रिक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर होगा, क्योंकि वही प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल रमजी तो यहाँ पे ड्राइंग में दिखेगा भी नहीं, ठीक है। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो नॉर्मल आपके तरफ होगा, ये डॉट सर्कल के अंदर, डॉट मतलब एक परपेंडिकुलर बनाओ आपके ये जो भी स्क्रीन पे, और आपके तरफ वो परपेंडिकुलर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन, है ना, टू द स्क्रीन ऑन विच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो एम जी होगा वो अंदर की तरफ होगा, मतलब अंदर की तरफ मतलब ऐसा परपेंडिकुलर जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर तो है लेकिन आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो वो दोनों तो सबकोर्स उनका नहीं, नॉर्मल का नहीं एम जी का कॉम्पोनेंट आएगा टुवर्ड सेंटर, तो खाली फ्रिक्शन ही रहेगा। तो फ्रिक्शन नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमें एंगुलर स्पीड के टर्म्स में पूछा था इसलिए ओमेगा स्क्वायर आर लिखे, ठीक है। आर का वैल्यू तो एल है यहाँ पे, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है, फ्रिक्शन इतना है। तो आपसे पूछा था ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले ओमेगा का एक्सप्रेशन निकाल लो, तो ओमेगा का अगर एक्सप्रेशन देखोगे इतना आएगा, तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इस एक्सप्रेशन में देखो किस चीज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ऑफकोर्स मास और लेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो ओमेगा भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, दिख रहा है डायरेक्ट रिलेटेड है ना। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, पुट कर दो, और एन का वैल्यू एम जी है यहाँ पे, ठीक है, तो एन एम है यहाँ पे, सॉरी, तो एम से एम कट गया, तो म्यू जी बाय एल है। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, म्यू जी बाय एल, 21 का ए का म्यू जी बाय एल, ठीक है। इफ द एंगुलर स्पीड इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो किस एंगुलर स्पीड में ब्लॉक स्लिप करेगा, ठीक है। अभी मैं सोचना कि इसी में स्लिप करेगा। क्वेश्चन नंबर ए बताते, ए बनाते वक्त हम लोग कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मान के कर रहे थे कि हाँ इतने स्पीड से अगर घूमता रहेगा तो स्किड करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग स्पीड जीरो से बढ़ा रहे, अब स्पीड बढ़ाने में भी तो एक्सेलरेशन चाहिए, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, थीके? और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कौन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ फ्रिक्शन ही तो पॉसिबल है यहाँ पे, फ्रिक्शन ही तो एजेंट है, और तो कोई एजेंट है प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ए बनाते वक्त फ्रिक्शन जो था वही सेंट्रिपिटल प्रोवाइड कर रहा था, बी बनाते वक्त फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रिपिटल भी प्रोवाइड करेगा सर्कल में घूमने के लिए भी और स्पीड बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है सिर्फ सेंट्रिपिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप सिंपली ए का जो आंसर है उसको बोरो नहीं कर सकते हो, क्योंकि बी पार्ट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो ए में जो आंसर है उसको मत मार देना, है ना, तो बी पार्ट फिर से बनाना हो क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो दोनों पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, वही चीज़, फ्रिक्शन का वैल्यू सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना स्लिपिंग का बात हो रहा है, ब्लॉक स्लिप, तो फ्रिक्शन जो हम लोग मैक्सिमम लेंगे, है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होगा, सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम डी बाई डी टी, ठीक है। लेकिन आपको बोल दिया गया है कि चलो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो अल्फा इंटू आर होता है, ठीक है, आर का वैल्यू एल है, तो इसका वैल्यू हम लोग अल्फा एल लिखेंगे, ठीक है। तो एम इसका स्क्वायर भी है, सॉरी, तो एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 एल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर को ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ये अभी तक रिजल्ट आया है। अब नॉर्मल का वैल्यू तो एम जी है, तो इसको पुट कर लो यहाँ, यहाँ ओमेगा
की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो एक एम स्क्वायर कट गया, बस सब चीज़ सेम सेट है। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑफकोर्स जो जब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ओमेगा का ही मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा, ठीक है। आपको लिखना है तो यहीं से लिख सकते हो, है ना, क्योंकि बाकी और कोई चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। बाकी सबका वैल्यू फिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है एल स्क्वायर को अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें इधर गायब हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें इधर से गायब हो जाएगा, और पावर 4 को हटा दे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, अगर देखने में अजीब लग रहा है तो ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4, ठीक है। तो बी पार्ट का आंसर ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4 मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान देना, जब भी स्लिपिंग की बात होगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेना, और यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप अगर किसी को अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सर्कुलर मोशन करेगा तो फ्रिक्शन ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल भी करेगा, क्योंकि बाकी दोनों फोर्सेस नॉर्मल और एमजी तो प्लेन पे है ही नहीं, ना ही नॉर्मल का कंपोनेंट टेंजेंट के अलावा ना एमजी का, वैसे ना ही नॉर्मल कंपोनेंट ना ही एमजी कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर, ठीक है। तो जो प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन ही करेगा, तो फ्रिक्शन ही टेंजेंशियल सेंटीपिटल प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन ही टेंजेंशियल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ओके। तो अभी तो जिनको नहीं दिख रहा है अब दिख रहा होगा, या थोड़ा साइड साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी एंड सी डी। तो आपको ए बी सी भी जो पार्ट दिख रहा है वो भी एक किसी सर्कल का पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पे है, और सी डी ई, सी डी ई जो पार्ट दिख रहा है वो भी किसी सर्कल का पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो दो अलग अलग सर्कल के पार्ट्स को जोड़ के अलग ट्रैक बनाया गया है, और रेडियस दोनों का सेम है 100 मीटर, स्मूथली ज्वाइन किया गया, यहाँ कोई किंक वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई वैसा नहीं अनइवेननेस नहीं, यहाँ पे स्मूथली ट्रांजिशन हुआ है, वही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अ साइकिल वेइंग 100 किलोग्राम टुगेदर विद द राइडर, ठीक है, साइकिल प्लस राइडर, इस पूरे चीज़ का मास है 100 किलोग्राम, ड्राइवर्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑन द ट्रैक, ठीक है। तो फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, ठीक है। तो पॉइंट बी और पॉइंट डी पे जब साइकिलिस्ट है तब उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो बी पे अगर डायग्राम बनाएंगे तो कहाँ पूछा, बी और डी पे, ठीक है। बी पे डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल ऊपर आएगा, एम जी टूअर्ड सेंटर, ठीक है। तो नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर क्या लिखता हूँ, नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर, एम जी सेंटर की तरफ है, नॉर्मल तो अभी फ्रॉम सेंटर है, ठीक है। तो नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर, सॉरी कुछ आवाज आई थी, एक सेकंड पॉज लेता हूँ, सुनाई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बगल घर में कंस्ट्रक्शन वर्क है तो आवाज आ रही है बीच बीच में, मशीन वगैरह ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यही चीज़ अगर डी पे करें हम लोग तो डी पे तो नॉर्मल सेंटर की तरफ होगा और एम जी अवे फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे उल्टा कहानी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर, क्योंकि सेंटर की तरफ नॉर्मल है और सेंटर से अवे एम जी है, इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉर्मल है डी है और ये नॉर्मल है सी है, तो नॉर्मल एट सी का वैल्यू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड नॉर्मल एट डी का वैल्यू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, बस खाली वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। तो मास ऑफ साइकिलिस्ट तो विथ साइकिल 100 है, जी का वैल्यू 10, वी स्क्वायर 5 स्क्वायर बाय आर, रेडियस कितना है, रेडियस 100 है, ठीक है। तो 25/100 मतलब 1/4, तो 10 - 1/4 तो 40 - 139 क्या हो रहा है, 25/100 है ना,
ठीक है, तो 1/4, तो 1000 माइनस 1/4 मतलब 25, 975, ठीक है। और यहाँ पे 1000 प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि हर वैल्यू सेम ही है, खाली प्लस है यहाँ पे, तो 1000 प्लस 25 होगा, तो 1025। आंसर मैच कर लेते हैं, पता चल जाएगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 22 का ए पार्ट 975, 1025, 975, 1025, ठीक है। तो चलो ए पार्ट तो हो गया, बाकी पार्ट्स करते हैं। तो इसको थोड़ा नीचे लेते आते हैं, ठीक है, साफ हो जाएगा यहाँ पे वापस, ठीक है। बाकी पार्ट में, बी पार्ट में, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है बाय द ट्रैक ऑन द टायर, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है साइकिल पे जब वो बी सी और डी पे है, ठीक है। ओके, तो पॉइंट बी पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना इसका, तो नॉर्मल एम जी टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, नहीं नॉर्मल कॉम्पोनेंट आएगा, नहीं एम जी ए कॉम्पोनेंट आएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का ही कॉम्पोनेंट नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो ही है ना, आप देख सकते हो, क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब ही होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो, तो यानी टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो है, ठीक है। तो ना ही नॉर्मल का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है, ना ही एम जी टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है, मतलब फ्रिक्शन, क्योंकि तीन ही फोर्स लग सकता है इस केस में, नॉर्मल फ्रिक्शन एम जी यही तीन तो लग सकते हैं, तो इसका कोई टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट इसका भी नहीं है, क्योंकि टोटल टेंजेंशियल फोर्स हमें जीरो चाहिए, तो फ्रिक्शन का भी कोई टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आ गया तो उसको कैंसिल कौन करेगा, और कैंसिल अगर नहीं हुआ तो 80 नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो बी पे तो नहीं है, वैसे डी पे भी हम लोग देखेंगे, तो डी वी क्योंकि अल्टीमेटली कारण वही हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो एम जी का कॉम्पोनेंट आ नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, ना ही नॉर्मल कॉम्पोनेंट, ना ही एम जी कॉम्पोनेंट, तो फ्रिक्शन का ही कोई कॉम्पोनेंट आएगा नहीं अलॉन्ग टेंजेंट, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ भी जीरो है, तो सी बी और डी पे तो फ्रिक्शन जीरो है, सी पे देखते हैं। अब सी पे अगर आप देखोगे तो एम जी ए कॉम्पोनेंट आ जाएगा लॉन्ग टेंजेंट, ठीक है। एम जी को तो यही बोलते हैं, ये एम जी है, ये 45 डिग्री होगा, ये आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये एम जी, ये 45 क्यों होगा, मैं प्रूफ किया हूँ कि अभी तक ये 100 मीटर का है, 90 डिग्री बोला था ना, सबस्टेंस नहीं बोला था क्या, सबटेंड राइट एंगल, हाँ ये 90 90 है ना, 90 90 है मतलब ये 45 होगा, ठीक है, यही 45, ठीक है। तो एम जी ए कॉम्पोनेंट अलॉन्ग टेंजेंट कितना आ गया, एम जी कॉस 45, विच इज एम जी बाय रूट टू, ठीक है। तो ट्रैक के इस पार्ट में, जो कि सी पार्ट है, सी पार्ट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट के अलॉन्ग नॉर्मल का तो कॉम्पोनेंट नहीं आएगा अभी भी, लेकिन एम जी ए कॉम्पोनेंट आ गया है, एम जी बाय रूट टू, ठीक है। अब लेकिन टेंजेंशियल फोर्स तो नेट टेंजेंशियल फोर्स हमें जीरो चाहिए, तो यानी इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन कर रहा होगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू इसके एग्जैक्टली बराबर होगा, कम ज़्यादा हो नहीं सकता, डिसबैलेंस हो गया तो 80 नहीं रहेगा, 80 नहीं रहेगा तो स्पीड चेंज जाएगी, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो पॉइंट सी पे एम जी बाई रूट टू होना चाहिए, तो 22 का ए पे देख लो जीरो है, मतलब वही बी और डी नाम था ना उनका, बी और डी, हाँ बी पे भी जीरो है, डी पे भी जीरो है, और यहाँ पे 707, तो एम जी बाई रूट टू का वैल्यू चेक कर लेते हैं, एम जी हो जाएगा 1000 बाय रूट टू, हाँ ये 707 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, हो तो गया है ना, ठीक है। तो ये था बी पार्ट, है ना, तो फिर से थोड़ा छोटा करके इसको ड्रैग करके कचड़े से अलग कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए और बी हो चुका है, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में व्हाट, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस पॉइंट सी। तो पॉइंट सी क्रॉस करने का जस्ट पहले और जस्ट बाद नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या है, ठीक है। याद रखना, पॉइंट सी क्रॉस करने के जस्ट पहले नॉर्मल मतलब सर्कल का सेंटर यहाँ मानेंगे, एंड पॉइंट सी क्रॉस करने के जस्ट बाद सर्कल का सेंटर यहाँ मानेंगे, ठीक है। तो सी क्रॉस करने के जस्ट पहले, सी याद रखना यहाँ पे है ना, तो उस डॉट से, रेड डॉट से कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, वो सी नहीं है, सी वहाँ पे है ना, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, मैं सी याद रखना, सी ये है, दिस इज सी, ठीक है, सी जस्ट क्रॉस करने के पहले का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, तो
कंपोनेंट कितना जाएगा एमजी का, एमजी बाय रूट टू ही आएगा। याद रखना सी से जस्ट पहले एंगल तो ऑलमोस्ट सी के बराबर ही बनाएगा ना, जब सी पे होगा तब एंगल कितना बनाएगा एमजी, 45 बनाएगा वर्टिकल के साथ, ठीक है। सी पे अगर आप देखोगे तो एमजी का कंपोनेंट और सेंटर एमजी बाय रूट टू होगा, तो सी के जस्ट पहले भी हम लोग ऑलमोस्ट एमजी बाय रूट टू बोल सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा पॉइंट ये है कि सी से जस्ट पहले आपको सेंटर यहाँ पे लेना है बस, ठीक है। नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर लिखना है, तो एम जी ए कॉम्पोनेंट एम जी बाय रूट टू और नॉर्मल ऊपर, ठीक है। तो सी से जस्ट पहले ऐसा फिगर रहेगा, है ना। तो बस फोर्सेस लिखते हैं, नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नॉर्मल बिफोर सी, ये बिफोर सी है ना, और आफ्टर सी वाला बात करें उसी को भी यहीं पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, या इसको रहने देते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर सको आप, ग्रीन में ड्रॉ करते इसको। आफ्टर सी को क्रॉस करना मतलब यहाँ पहुँच जाना ग्रीन ये, ठीक है। तो नॉर्मल बड़ा हो जाएगा एम जी बाई रूट टू, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और सर्कल का सेंटर अब यहाँ हो गया ग्रीन डॉट, है ना। तो नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग सी, नॉर्मल ए सी बोल रहा हूँ मैं, माइनस एम जी बाई रूट टू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आपके लिए वैल्यूज पुट करना है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था सी पार्ट में फाइंड द नॉर्मल फोर्स जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर वाला एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा और जस्ट आफ्टर इससे आएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। नॉर्मल बिफोर क्रॉसिंग सी हो जाएगा एम जी बाय रूट टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड नॉर्मल आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट सी, आफ्टर क्रॉसिंग सी हो जाएगा एम जी बाय रूट टू प्लस एम वी स्क्वायर बाय, ठीक है। एक को कैलकुलेट करते दूसरा पता चल जाएगा, कैलकुलेशन आसान। एम जी बाय रूट टू तो हम लोग देखे थे 707 आया था अभी थोड़ी देर पहले बी पार्ट में, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय निकाल लेते हैं, एम है इतना बी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय कितना है 25, ठीक है। तो 700 में से 25 दिया 675, 675 और 7 682, और ये 7 5 12 732, ठीक है। तो एक आंसर 682, एक आंसर 732 होना चाहिए ना। तो नॉर्मल देख सकते हैं अचानक से बढ़ गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट 682 7 732, ठीक है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना। तो पहला बार आंसर एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना, तो हर बार हम लोग जी को 10 ले कि नहीं ले, वैसे यहाँ 10 बोल दिया गया, ठीक है। मैं तो वैसे 10 ले लेता हूँ कैलकुलेशन आसान रखने के, और कोई कोई क्वेश्चन में तो 10 बोलता है लेने, लेकिन तब भी आंसर मैच नहीं करता, 9.8 लेकर आया था ये, क्या पता, ठीक है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन, ये हो गया डी पार्ट में। व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर व्हिच विल इंश्योर दैट द साइक्लिस्ट कैन मूव विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट याद रखना, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोल दिया, ठीक है। तो चलो मैं इसको और नीचे लाके दिखाना चाहता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है, एक काम करते हैं इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग खाली नीचे वाला पार्ट को ही देखना है, तो इसको खाली देखते हैं। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट विच विल इंश्योर साइक्लिस्ट कैन मूव विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो आपको कम से कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट रखना है, ध्यान देना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम से कम है, ठीक है। एक बार 0.2 ने आपने सेलेक्ट कर लिया तो हर जगह में 0.2 ही यूज करना होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो जब हम लोग कम से कम फ्रिक्शन का बात करेंगे, तब टू इंश्योर सेफ्टी हम लोग ये चाहेंगे कि सबसे ज्यादा स्लिप होने का चांस जहाँ पे है वहां भी ये फ्रिक्शन जो है सफिशियंट हो जाए, ठीक है। फिर से बात सुनना, जब कम फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं तो इफ यू इंश्योर कि सबसे ज्यादा स्लिप होने का चांस जहाँ पे है वहां पे ये कम फ्रिक्शन काम में आ जाए तो आपका काम बन जाएगा, यानी वर्स्ट पॉसिबल केस में भी काम में आ जाए, ठीक है। तो जस्ट इंश्योर ऐसे क्वेश्चंस में ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिनिमम है, जस्ट इंश्योर दैट यू सर्वाइव, ये जो भी क्वेश्चन में बोला गया है साइक्लिस्ट इस केस में, यू सर्वाइव द
यू सर्वाइव द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन, यू सर्वाइव अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन, ठीक है, अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन है ना, वो क्या होता है मैं बताऊंगा, कंडीशन या वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस कहाँ पे है, आपको पता है, जैसे आपको मैं ऐसा रोड दूँ, ऐसा रोड दूँ, ऐसा रोड दूँ, सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस कहाँ पे है, इसमें है, जो जितना ज्यादा वर्टिकल रोड होगा, जितना ज्यादा स्टीप होगा, उतने सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस कहाँ पे, पॉइंट सी पे, ये जो ट्रैक दिया गया हमें, इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो बी पे तो स्लिप कर ही नहीं रहा है, और बी के बाद टेंजेंट जो है ग्रेजुअली स्लोप बढ़ते आ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा, सी पे होगा, सी के बाद वापस स्लोप जो है वो देख सकते हो आप, घटते 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 वापस डी पे, मतलब डी पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया वापस, ठीक है, समझ में आई बात। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा स्लिप करने का चांस कहाँ पे, सी पे, ठीक है। लेकिन सी में भी एक प्रॉब्लम है, मतलब सी पे सबसे ज़्यादा स्लिप करने का चांस है, आई एग्री, लेकिन सी के जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद सिचुएशन बहुत अलग अलग है, क्यों, क्योंकि हम लोग सी पार्ट को, जो इस क्वेश्चन का सी पार्ट जब बनाए थे, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स जस्ट बिफोर सी हम लोग अभी चेक कैलकुलेट किए थे कितना आया था, जस्ट बिफोर सी 682 आया था, जस्ट आफ्टर सी 732, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 682 न्यूटन है और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 732 न्यूटन है, ठीक है। याद रखना फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो म्यू पे भी, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो म्यू पे भी डिपेंड करता है और नॉर्मल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके म्यू तो आपका कम से कम है, मान लिया क्वेश्चन में बोल दिया आपको कम से कम म्यू बताना है जिसे पूरा ट्रैक को सर्वाइव कर सके साइक्लिस्ट विदाउट स्लिपिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो लेकिन आपका वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे वहाँ पे होगा, म्यू तो हर जगह सेम है, ठीक है, वर्स्ट सिनेरियो वहाँ पे होगा जहाँ पे नॉर्मल सबसे कम है, क्योंकि नॉर्मल जहाँ पे कम होगा, या देखना फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका है, या देखना नॉर्मल जहाँ पे सबसे कम होगा वहाँ पे फ्रिक्शन जो अवेलेबल होगा सबसे कम होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन अवेलेबल, ठीक है। तो वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्या है, वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे है जस्ट बिफोर सी, वर्स्ट सिनेरियो इज जस्ट बिफोर सी, ठीक है, इट इज जस्ट बिफोर क्रॉसिंग पॉइंट सी, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है मैं जो कर रहा हूँ ये बायो वाले बच्चे सोच छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा टफ लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो जस्ट बिफोर क्रॉसिंग पॉइंट सी जो है वर्स्ट सिनेरियो है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल इज मिनिमम, अगर नॉर्मल मिनिमम है मतलब मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मिनिमम, एफ एस मैक्स इज मिनिमम, ठीक है। बोलते हैं ना फ्रिक्शन जीरो से लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वैल्यू ले सकती है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जहां तक फ्रिक्शन वैल्यू ले सकती है वो बहुत कम है पॉइंट सी के जस्ट पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी के जस्ट पहले इंश्योर कर लेंगे वहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही, वहां पे स्लिपिंग नहीं होगी तो काम बन जाएगा, ठीक है, समझ में बात। याद रखना पॉइंट सी के जस्ट पहले, पॉइंट सी के जस्ट पहले फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है, तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर पॉइंट सी, ठीक है, वो तो हमें पता था कितना आया था 707 न्यूटन, याद है ना, पॉइंट सी के जस्ट पहले या पॉइंट सी के जस्ट बाद फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट तो वही है, अवेलेबल फ्रिक्शन का बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ये अवेलेबल फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट तो इतना ही रहेगा, चाहे सी के जस्ट पहले देखो, सी के जस्ट बाद देखो, सी पे देखो, है ना, सी पे हम लोग निकाले थे यूजुअली कितना आया था, वही एम जी रूट टू के बराबर है ना, क्योंकि फ्रिक्शन जो होगा एम जी का टेंजेंशियल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा ताकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर पॉइंट सी 707 न्यूटन है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू जो होगा वो म्यू से निकल जाएगा, म्यू इंटू एन करके, ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू इतना है ना, तो अगर इसी को हम लोग एफ एस मैक्स बोल दें तो म्यू का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन तो आपका कम है तो म्यू ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना, 707 इक्वल टू एफ एस मैक्स होता है म्यू इंटू एन, और नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे कितना है 682 न्यूटन, ठीक है, तो इससे अपना म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है 707 डिवाइड बाय 682, तो 707 डिवाइड बाय 682 ये करना है,
707 डिवाइडेड बाय 682, 707 डिवाइडेड बाय 682, ठीक है, ये 1.03 आया, तो आपका आंसर आया 1.03 म्यू का वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो हम लोग का ये हो गया, ठीक है, 22 आंसर मैच कर लेते हैं, 1.037। चलो आगे का डिजिट भी देख लेते हैं, हाँ 66 को 7 लिख दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, मैं एक बात बताऊंगा कि एस सी वी का अगर हर एक क्वेश्चन आप कर लो, हर एक क्वेश्चन समझ के, है ना, तो एडवांस भी क्लियर हो सकता है आराम से, ठीक है, मतलब 3000 रैंक तो आराम से आप पहला ही सकते हो, है ना। मैं देखा हूँ बच्चों को, इनफैक्ट मैं भी खुद अपने टाइम में सिर्फ एस सी वी ही पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, एग्जाम क्लियर करने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं खाली एस सी वी पढ़ते रहता था, लेकिन वही पढ़ते पढ़ते ही मेरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया कि आज तक काम आ रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 22, आगे बढ़ते हैं। ओके, 23 यहाँ पे उड़ के आ गया है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ ऊपर चल जाओ भैया आप, 23 के लिए थोड़ा जगह बनाए थे, जगह याद रखना इनफाइनाइट है, लेकिन मैं प्रॉब्ली पेज लंबा होने से हैंग होने लगता है, और कारण मुझे नहीं पता, हैंग होता है लेकिन, और पेज छोटा रखने से नहीं होता है, ठीक है, ये मैं देखा हूँ, तो वो एक्चुअल में रिलेशन है कि कोई कि को रिलेशन है यहाँ पर वो नहीं पता, या तो एक्चुअल कॉज है कि को रिलेशन वो नहीं पता, तो पता नहीं करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में, इन अ चिल्ड्रंस पार्क अ हैवी रॉड इज पाइवेटेड एट द सेंटर एंड इज मेड टू रोटेट अबाउट द पिवट सो दैट द रॉड ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। ओके, टू किड्स, तो वही यहाँ पे एक रॉड दिखाया गया है ना, ऑफकोर्स रॉड हॉरिजॉन्टल है और चिल्ड्रेन जो है वर्टिकल है, ठीक है। ओके, तो टू किड्स होल्ड द एंड्स एंड रोटेट विद द रॉड, रॉड के साथ रोटेट कर रहे दो बच्चे, लेट द मास ऑफ ईच किड बी 15, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द रॉड फ्रॉम द टू किड्स होल्ड इट 0.3 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, आर का वैल्यू हमें दे दिया 3 मीटर, ठीक है, एंड सपोज द रॉड रोटेट्स एट रेट ऑफ 20 revolutions per minute, ओके, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो फाइंड द, या ओमेगा दे दे जो भी बोलो, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड वन ऑफ द हीट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा, मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अगर आप इस किड का फ्री बॉय डायग्राम बनाओ, इसके ऊपर नॉर्मल एम जी ये सब लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन ही होगा जो सेंटीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, बाकी कोई कर नहीं सकते, ठीक है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आई बात। तो आपसे पूछा गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो मास ऑफ किड है 15, ओमेगा हमें दिया हुआ है 20 revolutions per minute, ओमेगा है 20 revolutions per minute, 1 मिनट के बाद 60 सेकेंड लिख दो, रेवोल्यूशन के बाद भी 2π रेडियन लिखो, तो अल्टीमेटली ये सब हो गया 20 दिया 60, 2π/3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अपना ओमेगा है 2π/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया है 3 दिया, ठीक है, पाई स्क्वायर को मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 लिख देता हूँ, 3 3 3 5, तो 5 और 20 तक 200 न्यूटन के आसपास आना चाहिए अपना, है ना, 23 का आंसर 10π², ठीक है, तो पाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है ना, तो 5 और 20 20π², ठीक है, 20π² आया था, 10π² है, क्या हो गया, फिर से कैलकुलेशन देखते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर, आर रेडियस था ना ये, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द टू किड्स होल्ड इज 3, ओके, ये टोटल 3 है, ठीक है, तो ये 1.5 होगा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसलिए ज़्यादा डबल आ रहा था, हाफ आएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 23, आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद 24 ऊपर आ जाओ भैया, बाहर एकदम कड़क धूप है लेकिन बिजली कड़क रही, हो सकता है कम कॉमन है बस। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर इज रोटेटेड
अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज केप्ट वर्टिकल. ओके, तो जैसे आप एक टेबल लो, उसके ऊपर एक कटोरा रखो, कटोरा घुमा रहे हो टेबल पे, ठीक है. तो एक टेबल लो, कटोरा रखो, तो कटोरा को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू कटोरा सेंटर मान लो, उसके बाद घुमा रहे हो, ठीक है. तो अ स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट इन द बॉल, जिसके अंदर एक छोटा ब्लॉक है पॉइंट मास मान लो, एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल. वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, ठीक है. तो एंड इट रोटेट्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब ब्लॉक कटोरा के साथ साथ वो भी घूम रहा है, दोनों को ओमेगा सेम है. फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया है, तो रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप, ठीक है. ये नीट वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, है ना. तो कितने ओमेगा के रेंजेस के लिए ब्लॉक है स्लिप नहीं करेगा, ठीक है. तो अच्छा फिगर बनाते हैं यहाँ पे. ये बाउल है, ठीक है, सेंटर यहाँ का ही मान लो, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, है ना, बाउल, ठीक है. एंगल आपको बोल दिया थीटा है, ठीक है. अब आपको रेंज ऑफ ओमेगा बोला, याद रखना, आप ओमेगा कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, ओमेगा घटाते जाओगे, तो इसका स्लिप करने टेंडेंसी किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा स्लिप इन टेंडेंसी. ये तो मतलब कॉमन सेंस से बता रहा हूँ ना, प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन कॉमन सेंस से जब काम हो जाए तो प्रूफ क्यों करना है, ठीक है. स्लिपिंग टेंडेंसी डाउन होगा अगर आप स्पीड कम करोगे तो, वैसे अगर आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे तो स्लिपिंग टेंडेंसी अप रहेगा, ठीक है. वो हम लोग केस अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे. तो ओमेगा कम करते जा रहे हो, मान लो ये मिनिमम ओमेगा में घूम रहा है, ओमेगा कम करते तो मिनिमम ओमेगा है, ठीक है. तो मिनिमम ओमेगा में घूम रहा है और तब भी ये चीज़ स्लिप नहीं कर रही है, जो ऑब्जेक्ट है यहीं पे, ठीक है. मतलब इससे कम ओमेगा कर दिए तब स्लिप करने लगे, है ना. तो अभी स्लिप नहीं कर रहा, ठीक है, इससे कम पे लेकिन स्लिप करने लगे, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग. तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा. समझ में आई बात? नॉर्मल टू टुवर्ड्स सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है. फ्रिक्शन जो होगा मैक्सिमम होगा क्योंकि ओमेगा मिनिमम है, तो स्लिपिंग टेंडेंसी है डाउन देंगे, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, ठीक है. दूसरा केस यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, मैक्सिमम ओमेगा वाला. तो आपको मतलब कॉमन सेंस से पता है ये चीज़, ठीक है. वैसे प्रूफ करके देखना, कॉमन सेंस कुछ होता नहीं है वैसे. कॉमन सेंस से पता है आपको कि ओमेगा को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा ओमेगा आएगा कि जब ये यहाँ से फेंका जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है. तो उस समय स्लिपिंग टेंडेंसी आउटवर्ड रहेगा, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, आउटवर्ड टेंडेंसी है, ठीक है. और फ्रिक्शन जो लग रहा होगा इस तरफ लगा, क्योंकि जिस तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी रहेगा फ्रिक्शन उसका अपोजिट रहेगा. मैक्सिमम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैक्सिमम हो गया है ना, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, ठीक है. नॉर्मल तो अभी सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है. एम जी को भी लिख लेते हैं. एम जी का कॉम्पोनेंट सब, चलो ग्रीन में लिखते हैं एम जी का कॉम्पोनेंट को. इस तरफ तो एम जी कॉस थीटा है और इस तरफ एम जी साइन थीटा, ठीक है. वैसे यहाँ भी ये फ्रिक्शन भी डाउन, ये भी डाउन, ये कैसे होगा? चलो देखते हैं. ये भी आपका क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा, ठीक है. और ये वाला एम जी कॉस थीटा, है ना. तो हर चीज़ सेम है दोनों केस में. नॉर्मल एम जी कॉस थीटा तो सेम डायरेक्शन में है, एम जी साइन थीटा भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है. यहाँ पे डाउन के तरफ है और यहाँ पे अप के तरफ फ्रिक्शन, ठीक है. चारों फोर्स को चलो ग्रीन से ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. यहाँ तक समझ में आई बात? चलो अभी इक्वेशन लिखते हैं दोनों केस में, ठीक है. याद रखना सर्कल का सेंटर ये नहीं है, ये जो सर्कल में चल रहा है वो सर्कल ये है, ये है सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कुलर मोशन वाला सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है. इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन देख रहा हूँ. तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर, एक्सप्रेशन वही करने वाले हैं, ठीक है. तो एक क्वेश्चन लिखना है बस, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर करके. तो सेंटर की तरफ क्या क्या फोर्स आएगा? तो नॉर्मल अगर आप देखोगे तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना. ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ये थीटा है तो नॉर्मल का वर्टिकल कॉम्पोनेंट कॉस थीटा है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, है ना. तो उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा बाकी फोर्सेस का. नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा और फ्रिक्शन का आएगा, है ना. तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू याद रखना म्यू इंटू एन होता है, ठीक है. एफ मैक्स के फॉर्म में ही लिखता हूँ पहले. तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कंपोनेंट तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो आपको पता है ये भी थीटा है, ठीक है.
ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल केस है। तो ये थीटा है, तो वर्टिकल के साथ नॉर्मल थीटा बना रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब फ्रिक्शन वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कॉस थीटा हो जाएगा और नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट साइन थीटा हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट को रब कर देता हूँ, अननेसेसरी की बहुत सारी चीज़ लिखने से कन्फ्यूजन आता है ना। तो नॉर्मल का कॉम्पोनेंट ले लिए, फ्रिक्शन का ले लिए, एम जी का कॉम्पोनेंट है क्या हॉरिजॉन्टल, नहीं तो कल तीन ही फोर्स तो याद रखना, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो याद नहीं, तीन ही फोर्स है एम जी नॉर्मल फ्रिक्शन, एम जी का कोई हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट नहीं आएगा, एम जी तो वर्टिकल होता है, ठीक है। सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होगा, बाय बाय द वे सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, सर्कल का सेंटर कितना है, आर साइन थीटा, ठीक है। बस न्यूटन सेकंड लॉ लिखो, अब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, एन साइन थीटा, और सेंटर से अवे कौन सा फोर्स है, एम जी कॉस थीटा, एम एफ एफ मैक्स कॉस थीटा, ठीक है। एम जी का तो कोई रोल नहीं है, इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाय आर, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस आर साइन थीटा, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। सर्कल का रेडियस देखते हैं ना, सेम चीज़ अगर यहाँ पे ड्रॉ करें हम लोग, तो नॉर्मल का कॉम्पोनेंट अभी भी टुवर्ड सेंटर एन साइन थीटा आएगा, फ्रिक्शन कॉम्पोनेंट भी टुवर्ड सेंटर आएगा एफ मैक्स कॉस थीटा, ठीक है। बस ये सेंटर है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ मैक्स कॉस थीटा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस दोनों किस में सेम है, तो ये यहाँ पे लेकिन ओमेगा मिनिमम लिखना होगा, यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है, दोनों केस अलग अलग है ना। अब नॉर्मल कैसे वैल्यू निकालेंगे, एम जी को तो बैलेंस करके, तो नॉर्मल का ये वाला कॉम्पोनेंट कॉस थीटा, ठीक है, और फ्रिक्शन का भी कॉम्पोनेंट वर्टिकली अपवर्ड आएगा एफ मैक्स साइन थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी एन कॉस थीटा एफ मैक्स साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरफ है ना, फ्रिक्शन अगर इस तरफ है तो उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट तो लेफ्ट, लेकिन वर्टिकल कॉम्पोनेंट डाउन आएगा, ठीक है, डाउन किए, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसा था तो वर्टिकल अप आएगा, हॉरिजॉन्टल राइट आएगा, तो हॉरिजॉन्टल राइट आया तो वर्टिकल अप आया था, ठीक है। ये सब न्यूटन्स लॉ है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे अगर फोर्सेस बैलेंस करे इस फर्स्ट फिगर में, तो एन कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान देना कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं, एफ मैक्स साइन थीटा, तो नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे करेंगे तो एन कॉस थीटा इक्वल टू, और एम जी भी तो आएगा, एम जी को लिखना भूल गया था मैं, एम जी प्लस एफ मैक्स साइन थीटा, बस क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। आपको अगर ओमेगा मिनिमम निकालना है, ये दो इक्वेशन यूज करो, तो अभी तक अननोन इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन अगर पढ़े हम लोग, तो आर थीटा ये सब गिवेन है, आर थीटा म्यू ये सब क्वेश्चन में मेंशन है, आर थीटा और म्यू, ठीक है, आर थीटा और म्यू क्वेश्चन में मेंशन है, तो जो मेंशन उसको मैं सपोज ब्लैक से लिख रहा हूँ, आर थीटा म्यू दिस आर नोन, है ना। अननोन को सपोज मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, तो नॉर्मल अननोन है, पहला अननोन नॉर्मल आ गया, दूसरा अननोन फ्रिक्शन आ गया, ये एफ मैक्स जो भी है, और ओमेगा, तीन अननोन है, दो इक्वेशन यहाँ पे हो तो नहीं सकता, एक इक्वेशन और भी तो है आपके पास, कौन सा, एफ मैक्स और एन का रिलेशन, तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन, बस अपना मैथमेटिकल स्किल्स यूज करके जैसे भी सॉल्व कर लो, तो सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस रहेंगे, सॉल्व कर लो, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी एफ मैक्स म्यू इनटू एन यूज करो, तीन इक्वेशन तीन अननोन निकल जाएगा, जो निकालने का मैं एक सेट ऑफ इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है, इधर वाला लेफ्ट वाला ओमेगा मिनिमम निकाल के दिखाया था, ताकि मैच भी कर ले हम लोग, आंसर आ भी रहे कि नहीं। ओके चलो, तो यहाँ पे रेड यूज करते हैं, थोड़ा डार्क, ठीक है। तो ओके, एफ मैक्स को म्यू एन हर जगह लिख देते, पहले एफ मैक्स को पहले म्यू एन लिख देते, एक वेरिएबल तो हटा है,
फर्स्ट इक्वेशन में एफ एक्स म्यू वन लिख दिया, सेकंड इक्वेशन में एफ मैक्स कर दिया, म्यू वन लिख देते हैं, ठीक है हो गया। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो काम बन जाएगा, नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, बस जो अपने काम का हो तो मिल गया ना, हमें वो चाहिए बस। अपने काम का क्या था, अपने काम का था दोनों माइनस है, एक प्लस होना चाहिए ना, हाँ कॉस थीटा प्लस एम तो कैपिटल हो गया, म्यू साइन थीटा, एम से एम गया, ओमेगा मिनिमम स्क्वायर आर साइन थीटा का जी, एम से एम भी कट गया, ठीक है। एन याद रखना कॉमन, लेकिन काट दिए सबसे बस, है ना। तो बस यहाँ से ओमेगा मिनिमम मिल जाएगा, एक निकाल के देख ही लेते हैं। ओमेगा मिनिमम कितना आ गया, जी बाय आर साइन थीटा, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है ओके। इसका स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा से अगर डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो वन माइनस म्यू कॉट थीटा डिवाइड बाय, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ऐसे ही ठीक है, मुझे ऐसे ही ठीक लगा। आंसर देखते किस फॉर्म में दिया हुआ, उसके चेंज कर लेंगे। तो 23, 24 चाहिए हमें, 24 जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये था म्यू मिनिमम, है ना। म्यू मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है कैलकुलेशन। तो म्यू मैक्सिमम निकालने के लिए मैं यहीं पे जगह बना लेता हूँ, तो यहीं पे फिर से ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाला इक्वेशन को पहले एक तरफ लिख लेते हैं, एफ मैक्स कर लिए म्यू वन लिख के, एन को एक तरफ कर लेते हैं। ऊपर वाला में तो एन ऑलरेडी एक तरफ है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हो गया, सेकंड वाला इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, एन कॉस थीटा को उधर रहने थे, फ्रिक्शन को इधर ले जाते हैं और एम जी को उधर रहने देते हैं, ठीक है। इनको रेशो लो, है ना। तो नॉर्मल कैंसिल, एम कैंसिल, नॉर्मल कैंसिल सब जगह होना चाहिए, ठीक है। एन भी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स स्क्वायर आर साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो जी बाय आर साइन थीटा यहाँ लिख दो, इसको हटा दो, स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ। ये आपका सेकेंड वाला जी बाय आर साइन थीटा, देख लो जी बाय आर साइन थीटा दिख रहा है हमें, ऊपर में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, नीचे में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, सही है, ठीक है। तो अपना काम बन गया, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, जो भी समझ में नहीं आएगी कमेंट में बता देना। चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।